नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बार सुकेश ने चिट्ठी में दिल्ली की जेल से खुद का और उसकी पत्नी का ट्रांसफर करने की अपील की है। सुकेश ने लेटर में लिखा है कि दिल्ली से बाहर देश की किसी भी जेल में उसे और उसकी पत्नी को शिफ्ट कर दिया जाए। बता दें, इससे पहले सुकेश ने अपने वकील के जरिए 8 अक्टूबर और 5 नवंबर को LG को चिट्ठी लिखकर सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। इन्हीं शिकायतों को आधार बनाते हुए अब सुकेश ने खुद का और अपनी पत्नी का ट्रांसफर दिल्ली की जेल से बाहर करने की प्रार्थना की है। सुकेश का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा उस पर और उसकी पत्नी पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिया गया बयान वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लिहाजा हमारी सुरक्षा के लिए जांच होने तक हमारा ट्रांसफर दिल्ली की जेल से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड किसी भी जेल में कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जेल अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। हमारा ट्रांसफर ऐसे राज्य में कर दिया जाए जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ना हो। दिल्ली जेल का पूरा स्टाफ केजरीवाल, सत्येंद्र जैन के पपेट्स की तरह काम करता है, जिनसे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहां लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही। आज फिर राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर दर्ज किया गया। बीते कुछ दिनों से दिल्ली का AQI घटने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कल भी दिल्ली में हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में था। आज भी दिल्ली के बवाना में सुबह 6 बजे AQI 448 दर्ज किया गया, तो वहीं आनंद विहार इलाके में AQI 313 दर्ज किया गया। सरकारी वेबसाइट AQICN.RG के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह 6 बजे नरेला में AQI 388 पर था, तो वहीं अलीपुर में 361 पर रहा। लेकिन आज नोएडा और गुरुग्राम में लोगों को कुछ हद तक प्रदूषण से राहत मिली है। आज गुरुग्राम में AQI 250 के नीचे ही दर्ज किया गया, तो वहीं नोएडा के सेक्टर 62 में सुबह 6 बजे AQI 158 पर रहा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की ऑथर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत सिद्धि विनायक में दर्शन करने के लिए पहुंचे। रिहाई के बाद राउत ने अपने एक बयान में कहा, हमने जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। मैंने 100 दिन से भी अधिक जेल में काटे, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मुझे हमारी न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया और मैं उनका आभारी हूँ। बता दें, शाम करीब 5 बजे राउत के वकीलों ने जमानत आदेश ऑथर जेल रोड पहुँचाया और करीब 6:50 पर राउत जेल से बाहर निकले। वह करीब 3 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अपने ही पार्टी के नेताओं को ईमानदारी से रहने की नसीहत दी। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा तृणमूल कांग्रेस को लगातार गाली दे रही है, उनके पास और कोई काम नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है। एक या दो लोग गलती कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई गलत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं यहाँ अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके 5 बच्चे एक जैसे हैं? उनमें से एक थोड़ा भटक सकता है, उसे सुधारना होगा। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने गलतियाँ की हैं, वे खुद को सुधारें। गलतियों को ठीक करना और सुधारना हमारा धर्म है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गलतियाँ करने के अधिकार के बारे में बात की थी, यह भी एक अधिकार है और उन गलतियों को ठीक करना होगा। बनर्जी ने पार्टी समर्थकों से कहा, यदि आप लालची हैं और आप पैसा कमाते हैं, तो आप इसे जिस व्यक्ति के पास रखेंगे वह चोरी करेगा। यदि आप लालची हैं और आप पैसा कमाते हैं, तो इससे समाज में आपकी बदनामी होती है। बीजेपी पर सबसे भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी सबसे ज्यादा यही करती है। हर चुनाव में वे हजारों करोड़ों खर्च करते हैं, वह पैसा कहाँ से आता है? हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है, तो आपने फिर से बॉन्ड खोल दिए। सभी दल बॉन्ड लेते हैं, क्योंकि कानून के अनुसार इसकी अनुमति है। लेकिन बात यह है कि जब चुनाव आता है, तो आप हजारों करोड़ जुटाते हैं और एजेंसियों का उपयोग दूसरों को डराने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया है? ED ने एक फार्मा कंपनी के प्रमुख और एक अन्य को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार अरबिंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरद रेड्डी और विनय बाबू को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में एजेंसी द्वारा अब तक 5 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।
जिसमें से 3 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है जबकि 2 को सीबीआई ने। वहीं शरत रेड्डी की गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसी ने उनके परिसर की तलाशी ली थी और उनसे 2 बार पूछताछ के बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि शरत रेड्डी ने कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति मामले में अपराध की आय को ट्रांसफर करने में मदद की थी। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के तलाला से कांग्रेस विधायक भगवान भाई बराड़ ने बुधवार को विधायक और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें, बराड़ तलाला निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले 10 विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां केवल 2 बार 1995 और 2002 में ही जीत दर्ज कर सकी थी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठवा ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राज्य कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर को लिखे पत्र में मोहन सिंह ने पार्टी छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके स्थान पर उनके बेटे को टिकट देने से इनकार करने की वजह से नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आगामी चुनाव से पहले विधायकों का पाला बदलना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे खुद को मजबूती से चुनावी मैदान में उतारती है, ये देखना काफी अहम होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को अगले महीने कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें, अगस्त महीने में यहां गणेश उत्सव समारोह की अनुमति पर विवाद खड़ा हो गया था। AIMIM और कुछ अन्य संगठनों ने कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति मांगने के लिए नगर निगम से संपर्क किया था और उनके अनुरोध को श्री राम सेना द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने वहां कनकदास जयंती मनाने का अनुरोध दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।